दर्द का यह पहलू उसे तो पता, पता ना था वो देखता तो एक आंसू में क्या कुछ ना था डेक्रियोलॉजी प्रडोमिनेंटली आंसू के सिस्टम्स जो आंख और नाक के दरमियान हैं, उनसे डील करता है तो जो नोज के डॉक्टर्स हैं दे डो नॉट हैव मच क्लू अबाउट द आई पार्ट एंड द आई डॉक्टर्स डो नॉट द नोज पार्ट तो मंजिल रास्ता होने चाहिए मंजिल कोई ऐसे डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए तो मेरा मानना ये रहता है कि जो भी चीज आप करना चाहते हैं और पैशनेटली करना चाहते हैं उसके लिए हमेशा वक्त रहता है आपके पास उठ ए नदान सैर कर दुनिया की ये जिंदगानी फिर कहां, गर जिंदगी फिर रहे ये नौजवानी फिर कहां। MS Education प्रिपेयरिंग वर्ल्ड world worthy इंडिविजुअल नाजरीन अस्सलाम वालेकुम इस सिलसिले टॉक शो गुफ्तु में आप सबका खैर मकदम है मैं आपका होस्ट अब्दुल अब्दुल्खदर फिर एक बार एक अहम मज़ोर खास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ हमारे बीच आज शांति स्वरूप भटनागर अवार्डी डॉक्टर मोहम्मद जावेद अली साहब मौजूद है डॉक्टर साहब गुफगु में आपका खैर मकदम है वेलकम टू तो द शो थैंक यू सो मच गुफ्तु शुरू करने से पहले डॉक्टर जावेद साहब का मुख्तर सतारफ करना चाहूँगा आपने एम एस किया है ऑप्थोलोलॉजी में फिर इसी फील्ड में आपने पी एच डी भी की है आपकी यूनिक आइडेंटिटी एज ए डॉक्टर प्लस आप साइंटिस्ट भी हैं आपकी रिसर्च फील्ड जिसके आप पाएनर हैं वो डाइकरोलॉजी है एक मेडिकल साइंस की एक फील्ड है वो ऑप्थोलॉजी से रिलेटेड सब एक बुनियादी सवाल से अपनी गुफ्त को शुरू करते हैं कई लोग जो है एम बी बी एस पढ़ते हैं फिर एम एस करते हैं और फिर वहाँ पर वो रुक जाते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन या पी एच डी करने का दे आर सेटिसफाइड विद डैट अचीवमेंट वॉट लेड यू ये जो रोड लेस ट्रैवल्ड है क्या क्या वजूहत थे आपके देखिए इसके दो वजह हैं एक तो मुझे शायरी से काफ़ी लगाव है तो मैं आपको शायरी में बोलूँगा एक वजह ये थी कि जिधर जाते हैं सब जाना वहाँ अच्छा नहीं लगता जिधर जाते हैं सब जाना वहाँ अच्छा नहीं लगता मुझे पामाल रास्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता तो एक तो वजह ये थी कि मैं कोई भी रास्ता जो पामाल है जो चला हुआ है मैं वो नहीं वहाँ नहीं जाना चाहता था एक ये वजह था और दूसरी वजह ये थी कि एक अपने ऊपर ख़ुद और जो कॉन्फिडेंस कहते हैं वो थी कि हम तो दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है हम तो दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा तो ये दो वजवा थी और मैं कभी भी कोई चीज़ शुरू से ऐसा ही था कि वो नहीं करना चाहता था जहाँ सारी भीड़ जाती है hmm. कुछ तो हमेशा एक अपनी आइडेंटिटी और हर चीज़ डिफरेंट होने थी hmm. और लोग आमतौर पे जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनकी सक्सेस को रिपीट करने के चक्कर में रहते हैं दैट्स अ कॉमन ह्यूमन साइक है कॉपी करते हैं हैं कॉपी करते कि ये बंदा सक्सेसफुल इसने क्या किया हम भी ऐसे करेंगे मेरा ऐसा होता था कि आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट समबडी सक्सेस आई वुड रादर टेक अ न्यू पाथ हैव माई ओन फेलियर्स हैव माई ओन मिस्टेक्स लर्न फ्रॉम देम बट टेक अ न्यू पाथ सर आपने ऑप्थोलमोल के जो सुपर स्पेशलाइजेशन है डेक्रेलॉजी उसको आपने ऑप्ट किया क्या रीजन्स था इसके देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं वो स्टेज तक पहुंचा तो डेकरोलॉजी जैसा कोई सुपर स्पेशलाइजेशन था ही नहीं हुँ. कोई ऐसा कोई दुनिया में कोई प्रैक्टिस सोली प्रैक्टिस करने वाला जैसे कार्डियोलॉजी न्यूरोलॉजी को प्रैक्टिस करते हैं वैसा कोई था नहीं जी तो डैक्रियोलॉजी पहले तो ये है समझना चाहिए कि डैक्रियोलॉजी था क्या डैक्रियोलॉजी प्रडोमिनेंटली आंसू के सिस्टम्स जो आँख और नाक के दरमियान हैं उनसे डील करता है तो आँख से नाक में जाने वाले पानी के रास्ते होते हैं या आंसू के रास्ते होते हैं नॉर्मली पानी कंटिन्यूसली बेहतर रहता है सो फिनल ड्रेनेज सिस्टम लेकिन हमको तब तक पता नहीं लगता जब तक हम रोए ना रोने पर क्या होता है कि हम बहुत सारे आंसू वो सिस्टम में भेजते हैं Okay. वो जो नाक में उतरेगा फिर hmm. तो नाक भर जाएगी तो इसलिए आपने कॉमनली नोटिस किया होगा कि रोने के बाद नाक साफ करनी होती है so, क्योंकि आंसू नाक को फ्लड कर देते हैं ओके okay. तो प्रिडोमिनेटली ये एरिया से मैं डील करना चाहता था अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि हाफ ऑफ द सिस्टम इज इन द आइज एंड हाफ ऑफ द इट इज इन द नोज तो जो नोज के डॉक्टर्स हैं दे डू नॉट हैव मच क्लू अबाउट द आई पार्ट एंड द आई डॉक्टर्स डू नॉट हैव मच क्लू अबाउट द नोज पार्टी एंड इसी वजह से इतने सदियों से ये साइंस को वो दर्जा नहीं मिला जैसे दूसरे साइंस को मिला क्योंकि फिर आपको दो साइंस कंबाइन करने की बात है यहाँ पर सही सो दैट इज़ वेयर मैंने कंबाइन किया उसको तो ऑफ्थलमोलॉजी किया दैन फिर वहाँ रुका फिर राइनोलॉजी किया नाक की स्पेशलाइजेशन फिर प्रैक्टिकली ऑफ्थलमोलॉजी का एरिया प्रैक्टिस नहीं करता हूँ राइनोलॉजी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ और लेकिन वो सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो लाक्रमल सिस्टम के लिए या जो पानी के रास्तों के सिस्टम के लिए इस्तेमाल होती है सो दैट दैट द रीज़न फॉर दैट डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अलहद ला जो आपने हासिल किया है इसके अंदर आपने मेंशन किया कि आपके फेलियर्स रहे हैं आपके सेटबैक्स रहे हैं और आपकी लर्निंग रही है इससे तो ऐसे एक दो बड़े चैलेंज के बारे में बताइए ना आपकी जर्नी में और फिर उसके बाद जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी आपकी फील्ड में क्या एक बड़ा चैलेंज आपने फेस किया अब तक कोई भी चीज़ विच to टू बी that दैट डजन कम विदाउट चैलेंजेस तो सबसे पहला, पहला चैलेंज ये था कि जब मैंने सोचा कि आ, अब मुझे डेक्रियोलॉजी में काम करना है या में आगे बढ़ना है तो जो आपके आसपास जो बहुत ही अक्लमंद लोग होते हैं जो जिनकी आप एडवाइस लेते हैं मोस्ट most, मोस्टली जो आप डायरेक्टर्स हैं जो स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट लोग हैं मेडिकल फील्ड में सबको ये लगा कि क्या स्टूपिड आइडिया है ये तो? तो ये तो आदमी ये तो क्या बात है मतलब ये आपने फिर ऑफ्थलमोलॉजी की एम बी बी एस किया ऑफ्थलमोलॉजी के स्पेशलाइज देन फिर आपने सुपर स्पेशलाइज़ किया ऑफ्थलमिक प्लास्टिक्स में अब आप ये बोल रहे हो कि आप ये छोड़ के एक दूसरी जगह राइनोलॉजी करना चाहते हो और फिर ये जब आएगा ये लेवल पे सुपर स्पेशलिस्ट के आप ये दो सुपर स्पेशलाइजेशन छोड़ना चाहते हो और आप फिर ऐसी फील्ड लेना चाहते हो जो दोनों से कनेक्टेड है लेकिन आप ये दोनों प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सबसे पहला चैलेंज ये था कि लोगों को और आसपास लगता था कि मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ये क्यों है तो जो आपके खैर लोग होते हैं अच्छे सेंस में ही आपको उससे हटाने की कोशिश करते हैं कि मत करो ये रास्ता यू नो आप ऑलरेडी इतना पड़ चुके हो बाहर क्या करना है लेकिन मेरा उनके लिए जवाब ये होता था कि दर्द का ये पहलू उसे पता ना था दर्द का ये पहलू उसे पता, पता ना था वो देखता तो एक आंसू में क्या कुछ ना था तो मुझे वो यूनिवर्स देखना था जो एक आंसू में होता है या रास्तों में होता है आंसू के ये एक मेन चैलेंज होता है दूसरा चैलेंज ये रहता है आपका ट्रेनिंग का कि आपको ये सब चीज़ें जो अब तक आप सुपर स्पेशलिस्ट बने ये सब छोड़ के फिर आपको नई जगह से नए स्तर से स्टार्ट करना है आपको और ये जानते हुए स्टार्ट करना है कि आप काफ़ी समय जिंदगी का इसमें देंगे और फिर इसको भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इट्स अ बिग रिस्क ऑफ डूइंग दैट वन अब जब ये दोनों चीज़ें आई और जब मैंने इलेक्ट्रामल साइंसेस या डेक्रियालॉजी प्रैक्टिस करना शुरू किया तब एक चैलेंज ये था कि आपको वो लेवल का बनाना है चीज़ें तो आप ये चाहते हो कि आप वैसे लोगों के पास जाके कुछ वक्त गुजार के हैं जो डेक्रियोलॉजी करते हैं लेकिन हमारे पास ये था कि दुनिया में ऐसा कोई बंदा भी नहीं था जो फोकसड डेक्रियालॉजी काम कर रहा था उस वक्त तो वो भी अपॉर्चुनिटी नहीं था लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है आपको कि कहीं किसी के साथ जाके सीखने का वो आपको मौका देता है एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करने का okay. तो मुझे लगा वाह दुनिया में कोई भी नहीं है इसका मतलब ये है कि मैं हो सकता हूं वो आदमी जी तो वो एक था तो जब ये दो चीजें आ जाती हैं और आप तैयार हैं उसके लिए अब स्टार्ट करने के लिए तो आपको फिर रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है जी। तो इतफाक की बात ये थी कि एक पेशेंट थे शेख सरिया फैमिली से जो फेमस लैब्स के ओनर्स थे जहाँ पर आ, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी लोग गाना गाते थे उस समय फेमस लैब्स के तो उनके स्टूडियोज़ थे ये तो वो लोग कुछ काम से एज पेशेंट आए थे तो उनको लगा कि ये साइंस को डेवलप करना चाहिए आपको तो मैंने बोला मेरे पास तो उतने पैसे हैं नहीं डेवलप करने के लिए तो उन्होंने बोला कितना चाहिए तो मैंने बोला कि शुरुआत तो एटलीस्ट एक करोड़ तो होना चाहिए तो उन्होंने मुझे दो करोड़ दिया तो वहां से चीज़ें शुरू होती हैं और वहाँ से शुरुआत हुई तो बोलने का मकसद ये है कि अगर आपका दिल यहां पर साफ हो और इंटेंशंस बहुत स्ट्रांग हो जी। और आपको ये लगे कि ये जो पैसा आता है वो सिर्फ एक जरिया है अपने आप में कुछ नहीं है अगर आपके वो थॉट्स अगर क्लियर हों आपके तो फिर कायनात फिर जो है साजिश करता है आपको हर चीज़ वो देने के लिए जो इसकी आप जो है तमन्ना करते हैं सर कोलैबोरेटिव एफर्ट मेडिकल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक दूसरे के रिसर्च से सीखना और शेयर करना आपका कोलैबोरेशन जर्मनी से रहा है मेडिकल फर्टर्निटी वहाँ पर थोड़ा उसके बारे में बताइए ना देखिए जैसे मैंने बताया था कि एक तो एक डायमेंशंस था ऑफ्टलमोलॉजी का एक डायमेंशंस था राइनोलॉजी का जो नो के साइंसेस हैं अब जो तीसरा डायमेंशन जो मुझे ऐड करना था उसको बोलते हैं फंडामेंटल साइंसेस या बेसिक साइंसेज मतलब मॉलिकुलर साइंसेस Mm -hmm. कि सेलुलर लेवल पे क्या चीज होता है mm -hmm. तो आमतौर पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो सर्जन हो सकते हैं लेकिन वो लोग मॉलिकुलर लेवल पे वही चीज के साइंटिस्ट नहीं होते तो मेरा ये मकसद था कि आप अपनी सतह सर्जन में यू माइट बी द बेस्ट पॉसिबल सर्जन इन द वर्ल्ड बट आर यू द बेस्ट पॉसिबल साइंटिस्ट फॉर द सेम डिजॉर्डर्स इन द सेम एरिया दैट इज अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन इफ यू हैव दैट वन सो फंडामेंटल साइंसिस के लिए मेरा जर्मनी स्टार्ट हुआ और वहाँ पर ये चीज़ों की फ्रीडम बहुत ज़्यादा होती है फंडामेंटल साइंसेस के लिए पर्स्यू करने के लिए बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस तो ये तो हुआ और उसके बाद फिर uh, मुझे वहाँ पर हुमबोल्ट रिसर्च अवार्ड मिला जो आपको और मौका देता है आगे जाने का जो रिसर्च की वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा अवार्ड माना जाता है तो उसकी वजह से फिर कंटिन्यू किया फिर मैंने फिर गेस्ट प्रोफेसर की तरह बुलाया mm -hmm. अब करंटली मैं डार्क प्रोफेसर हूँ वहाँ पर mm -hmm. आ, तो एज अ डार्क प्रोफेसर आई गो देर सो जो जहाँ से आपने चीज़ें सीखी हैं आप वो कम्युनिटी को वापस भी दे रहे हो फिर Same. आज ये लेवल पे सो so, एक वो बैलेंस जो होता है कि फंटास्टिक सर्जन एंड अ फंटेस्टिक साइंटिस्ट इसका मतलब ये है कि आपको वो बीमारी का 360 सिक्सटी डिग्री पता होना शुरू होता है mm -hmm. क्योंकि आप जो साइंटिस्ट लैब्स में बैठे रहते हैं दे विल नॉट नेवर हैव दैट व्यू जो पेशेंट्स का व्यू है या जो मैं अपने पेशेंट की सफरिंग देखता हूँ सो इफ आई कैन कैन टेक दैट पेशेंट्स प्रॉब्लम टू द लैब एंड गेट सॉल्यूशंस बैक टू द पेशेंट दैट विल बी अ रियली गुड कॉम्बिनेशन यू विल हैव लॉट ऑफ पीपल टू हेल्प यू एंड कोलेबरेट बट यू शुड बी द पर्सन हु ड्राइव्स दैट वन डॉक्टर साहब आप अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत सारे अवार्ड्स हासिल किए हैं इंडिया में आपने शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड आपने हासिल किया इंटरनेशनल लेवल पे आपने मेरे रीज जोन्स अवार्ड भी आपने हासिल किया आ, कितना ज़रूरी है ये अवार्ड्स का रिकॉग्निशन एक काम एक बंदा काम करने जो करता है उसको मिलना और फिर उसके प्रोग्रेस के लिए ये चीज़ें जो है जब हम शुरू करते हैं तो ये तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरिल री जैसा कोई अवार्ड भी है दुनिया में या लेस्टर जोन्स जैसा कोई अवार्ड भी है तो कभी उनको नज़र में रख के तो काम नहीं कर सकते आप अच्छा सा काम तो आप काम इसलिए करते हो क्योंकि काम में करने में मज़ा आता है और मुझे लगता है कि ये अवार्ड्स मिलने का जब मैं आज रेट्रोस्पेक्टिवली देखता हूँ वो चीज़ को तो मुझे लगता है कि ये अवार्ड्स आमतौर तौर पर इसलिए मिलते हैं क्योंकि लोग जैसे कहते हैं कि यू शुड प्ले बाई योर स्ट्रेंथ्स Mujhe lagta hai ki you should play by both your strengths and weaknesses. Mm -hmm. because how much your strengths matter to you in your success, your weakness will also contribute mm -hmm. equally to, to getting you away from that one. so i have always felt that if you play by both of them and work on your weaknesses simultaneously, mm -hmm. then, then uh, you know, these uh, outcomes are not unusual. but what happens with these awards is that the science gets recognition. that is yes. my way of looking at field. it. Yes. अयूमन बींग एज ए इंडिविजुअल डजें मैटर टू मी टू मोरो इवन इफ समी कॉल्स मी एज अ फादर फिगर इन दिस साइंस बिकॉज आई एम गोइंग टू गो टू डस्ट इन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ईयर्स सो कोई इंसान की अहमियत नहीं रहती है उसकी अहमियत रहती है कि वो साइंस को रिकोगनीशन मिलता है hmm. और लोग वो साइंस को जानना शुरू करते हैं सो दैट इज़ वन थिंग एट एट द सेम टाइम दिस अवार्ड शुड नॉट मेक यू फील वेरी हैप्पी ऑल्सो बिकॉज वहाँ पर फिर ग्रोथ रुक जाता है तो जैसे किसी ने कहा था हमारे शौक की ये इंतहा थी हमारे शौक़ की यह इंतहा थी कि कदम रखा तो मंजिल रास्ता थी तो मंजिल रास्ता होने चाहिए मंजिल कोई ऐसे डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब एक तरफ आपकी प्रैक्टिस है एक तरफ रिसर्च है आपने कहा लैब से क्लिनिक क्लिनिक से लैब हॉस्पिटल से क्लिनिक ऐसा होता है जब आप फिर लेक्चर्स भी देने जाते हैं तो ये बहुत बिजी स्केड्यूल आपका बनता। किस तरह मैनेज करते हैं आप इसकेड्यूल मेरा ये मानना है कि जैसे लोग बोलते हैं कि भाई बहुत बिजी हूँ मैं मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है कोई चीज़ के लिए इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर चीज़ को मैं करना नहीं चाहता हूँ तो मेरा मानना ये रहता है कि जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं और पैशनेटली करना चाहते हैं उसके लिए हमेशा वक्त रहता है आपके पास तो बहुत कम लोगों को पता है कि मैं पायलट भी हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है ये जैसे देख रहे हो पिन हमेशा वो इसलिए रहती है क्योंकि वो एक एयरक्राफ्ट है हमेशा याद दिलाते रहता हूँ अपने आप को कि कुछ हवाई जहाज़ उड़ाना भी है बहुत कम लोगों को पता है कि मैं क्रिमिनोलॉजिस्ट हूँ ट्रेंड क्रिमिनोलॉजिस्ट हूँ शायर हूँ तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं बिकॉज आपको हवाई जहाज उड़ाना पसंद है तो आप वक्त निकालेंगे ट्रेन होने के लिए उड़ाने के लिए उसको लेकिन अब ये होता है कि वो चीज़ें जो आपके शेड्यूल में जो वक्त पे प्रेशर डालती हैं आप उनको प्रायोरिटाइज़ करते हो कि हर दिन तो हवाई जहाज उड़ा नहीं सकता मैं क्योंकि अपना काम है तुम कौन से संडेज़ को मैं वो कर सकता हूँ कि मैं फैमिली को भी टाइम दूँ और कौन से संडे को मैं हवाई जहाज उड़ाऊँ एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल तो आप वो करते हैं एंड देन इंटरनेशनली मेरा ट्रैवल बहुत रहता है बिकॉज आई वर्क एट प्रॉब्ली मोर देन फिफ्टीन प्लेसेस अदर देन दिस प्लेस तो मैं जब बाहर जाता हूँ क्योंकि ट्रैवल फ्रीकेंट होता है मुझे एक तो मुझे हवाई जहाज़ उड़ाना भी शौक़ है और बैठना भी शौक़ होता है उतना ही इंटरेस्टिंग होता है आज भी मैं इतना हैरान होता हूँ कि इतना लोहे का इतना मशीन हवा में कैसे उड़ गया तो वो आज हैरानी आज तक कम नहीं हुई मेरी तो जब मैं बाहर जाता हूं तो वो मैं वेकेशन की तरह देखता हूं मान लो कि कल लंदन जा रहा हूं तो मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करता हूँ लंदन के बारे में देखता हूँ सो दैट इज लाइक अ वैकेशन फॉर मी आल्सो तो काम भी है वकेशन भी है तो आप अपना जो काम है आप उसको किसी तरह से इंजॉय भी कर रहे हो आप तो फिर आपको प्रेशर नहीं लगता उसका तो जैसे किसी ने कहा था उठ ए नादान सैर कर दुनिया की ये जिंदगानी फिर कहाँ उठ एन आदान सैर कर दुनिया की ये जिंदगानी फिर कहाँ गर जिंदगी फिर रहे ये नौजवानी फिर कहाँ सो टिल वी हैव द यूथ एंड हाथ पैर अच्छे हैं जब तक दुनिया भी देखनी चाहिए तो ये सारी चीज़ें जब मिल के आती हैं तो आप इंजॉय uh, भी करते हो और टाइम पे प्रेशर भी नहीं रहता आपका तो अगर हम अपने बच्चों को सेल फोन्स और लैपटॉप से एक लिमिट से ज़्यादा दूर रखने की कोशिश करेंगे तो हम उनके ग्रोथ में बाधा डालेंगे एज फार एज ऑफ्थोनोलॉजी इज कंसर्न ईस्टर्न से काफी नाम है आई थिंक दन ऑफ द बिगेस्ट पाइन इज द इजिप्शंस जो ऑफ्थोलोलॉजी में एक तो कोई भी चीज़ करने के लिए पैशन होना चाहिए पागलपन होना चाहिए जुनून होना चाहिए कोई भी चीज़ के लिए उसके साथ उतनी ही लेवल की हार्डवर्क होना चाहिए